हमारे चैनल पोल खोल पोस्ट को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। पाकिस्तान ने पहली बार माना कि 27 फरवरी को भारतीय वायुसेना के साथ हुई हवाई संघर्ष के दौरान उसने F-16 का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि उसके पास अपनी रक्षा के लिए कुछ भी इस्तेमाल करने का अधिकार है। पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ कफूर ने बयान जारी किया है जिसमें 27 फरवरी को हवाई संघर्ष के दौरान भारत द्वारा पाकिस्तानी F-16 को मार गिराने का भारतीय दावा का संदर्भ है। उन्होंने कहा, नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तानी वायुसेना के हमले का जहां तक संबंध है, यह JF-17 से पाकिस्तान हवाई क्षेत्र के अंदर रहकर अंजाम दिया गया था। गफूर ने दावा किया कि बाद में जब दो भारतीय लड़ाकू विमानों ने नियंत्रण रेखा पार की तो उन्होंने उन्हें PAF ने मार गिराया। उन्होंने कहा, दो भारतीय विमानों को मार गिराने में एक F-16 या J-17 जिसका भी इस्तेमाल किया गया हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। गफूर ने कहा, भले ही उक्त F-16 का इस्तेमाल किया भी गया हो, क्योंकि उस वक्त F-16 समेत PAF का पूरा बेड़ा आसमान में था। और तथ्य यही है कि पाकिस्तानी वायुसेना ने आत्मरक्षा में दो भारतीय विमानों को मार गिराया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपनी रक्षा के लिए कुछ भी इस्तेमाल करने का हक है। उन्होंने कहा, भारत अपने हिसाब से कुछ भी समझ सकता है, यहां तक कि F-16 भी समझ सकता है। पाकिस्तान के पास अपनी वाजिब आत्मरक्षा के लिए कुछ भी इस्तेमाल करने का हक है। उन्होंने भारतीय वायुसेना द्वारा हवाई संघर्ष के दौरान F-16 को मार गिराने की बात को भी खारिज किया। उन्होंने कहा, 27 फरवरी का घटनाक्रम अब इतिहास का हिस्सा है। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के लिए किसी भी F-16 को नहीं मार गिराया। पिछले महीने गफूर ने कहा था कि भारत के खिलाफ केवल JF-17 का इस्तेमाल किया गया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के फिदायीन आतंकी ने CRPF के काफिले पर हमला किया था जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर बालाकोट में आतंकवाद रोधी अभियान के तहत जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर को तबाह कर दिया है। अगले दिन पाकिस्तान वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई की और हवाई लड़ाई में MiG-21 को मार गिराया और एक भारतीय पायलट को पकड़ लिया जिसे बाद में भारत को सौंप दिया गया। अभी तक के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ ही बताना चाहेंगे 2019 की राजनीति से जुड़ी हुई तत्काल की न्यूज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट आपको समय पे